Hi guys, welcome back to Rinki's Angelic, and we are doing weekly videos for the week starting from 13th to 19th of August. देखते हैं ये हफ्ते टैरो यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. अगर आप मेरे वीकली वीडियोस फॉलो कर रहे हो और आपको बहुत मजा आ रहा है, आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, प्लीज कमेंट कीजिए. इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी एंड पुश मी हार्डर टू डू मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस. सो इट इज ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी लाइक अ हैप्पी फीलिंग टू रीड ऑल योर कॉमेंट्स डाउन बिलो. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एरीज में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड पुल आउट करी हूं और एक एंजल मैसेज. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं. एरीज लुक्स लाइक अ गुड वीक. मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है ना एरीज, वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज का खुलासा होगा. कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो बहुत टाइम से दबी हुई है और आपके सामने नहीं आ रही है, इस हफ्ते कोई चीज आपके आगे आ सकती है. कई लोग आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं बट यू नो ऊपर वाला आपको वो आपके सामने लाकर दे देंगे. सो इट्स अ वीक वेयर यू आर गोइंग टू नो सर्टेन थिंग्स जो आपसे अब तक शायद हिडन थी. अगर कोई मैटर चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, उसमें ना कुछ ऐसे आपको हिंट मिलेगी जहां पर चीजें शायद आपके फेवर में आ सकती है, जहां आपको ऐसा लगेगा ये चीज है ना गेम चेंज कर सकती है. तो इस हफ्ते जस्ट कीप योर आई ओपन, टेल गॉड दैट यू आर रेडी टू रिसीव ऑल दैट यू नो हैज और wants to come your way. उसके बाद आपको आपके पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा ये हफ्ते. एक अच्छा गेट टुगेदर, एक अच्छा यू नो डेट नाइट, समथिंग वेयर आई सी यू गाइस स्पेंडिंग लाइक अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर. ये भी इंडिकेट कर रहा है अगर आप सिंगल हो शायद आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन ये हफ्ते बहुत अच्छी है. यू विल ओपन अप, यू विल कम अक्रॉस समवन हु कुड रियली बी अ लॉन्ग टर्म कंपेनियन फॉर यू. तो ये सारी चीजें मतलब अच्छी हैं आपके लिए. बस भगवान चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं हायर कॉन्शियसनेस, अपनी आत्मा, अंतर आत्मा, अपना इंट्यूशन को थोड़ा ध्यान रखे, ओपन रखे एंड जस्ट वॉक ऑन द पाथ वेयर इट फील्स लाइक ठीक है ये सारी चीजें भी हो रही है, ठीक है ये सारी चीजें भी हम एक्नॉलेज करें. अपने गट, अपने इंट्यूशन को ना मतलब हल्के से मत लो, जाने मत दो. ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर एक्नॉलेज ऑल दैट यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू. सो या एरीज, दिस इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. Goodbye. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूं. टॉरस देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. टॉरस जो सबसे पहला कार्ड है वो आया है आपके लिए कि यार कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आइडियाज आ सकती है. दिस इज अ ग्रेट वीक टू इनवाइट न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स इन टू योर लाइफ. आई फील यू हैव द पावर, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास अथॉरिटी है, बस जो टाइम है ना वो राइट है. इस बारी जो आइडिया आई है ना उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखना है. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप क्रिएटिविटी में भी ढल सकते हैं. कोई चीज को एक्शन भी शायद करने का समय है. आगे बढ़ो, जो आइडिया आई है उसको लेके आगे बढ़ो और उसको ग्रो करो. अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, ट्रस्ट मी इट्स अ ग्रेट पीरियड. आई डू सी अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट. सो टॉरस इट्स अ गुड वीक. बट आप जो यू नो आपकी जो रूटीन है, आपका जो रूटीन प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, यू नो वहां पर थोड़ी सी एनर्जीज हमें डिप लग रही है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स लग रही है. इसीलिए यूनिवर्स शायद चाहते हैं कुछ नया आजमाएं, कुछ नया ट्राई करें, कुछ नई अपॉर्चुनिटी अगर आपका दरवाजा नॉक करिए ना तो उसे एक्नॉलेज करे. सो समवेयर समथिंग न्यू कैन रियली हेल्प. कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ सकती है, चेंज बहुत अच्छा है आपके लिए इस हफ्ते. सो समवेयर जो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, मुझे ऐसे लग रहा है कि बस उसको एक्नॉलेज करो और आगे बढ़ते रहो. उसके बाद यूनिवर्स का जो मैसेज है आपके लिए वो है सेक्सुअलिटी. आई फील ये दो पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा कवर करना चाहूंगी ये कार्ड को. ए अगर आप कपल हैं, मैरिड हैं या वॉट एवर, यू नो आई सी अ क्रेविंग ऑफ सेक्सुअलिटी, आई सी अ क्रेविंग ऑफ सेक्स इन यू एट दिस पॉइंट. और कहीं ना कहीं उसके वजह से ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है. सो समवेयर समथिंग टू डू विथ दैट इज रियली रिक्वायर्ड. और दूसरी पॉइंट ये है थोड़ा सा अपने आप को समझो. अगर आपकी एक बॉडी कुछ डिमांड कर रही है आपसे, अगर आपकी बॉडी कोई रेड फ्लैग दिखा रही है, उसको समझ के उसका इलाज करके उसको चेक करवाना है. सो इट्स नॉट लाइक अ स्कैरी थिंग, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट ये है कि अगर आपकी बॉडी आपसे कुछ बोल रही है तो आप उसको सुने और एक्नॉलेज करें. सो या दैट इज टिपिकली वॉट यू नो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दिस पर्टिकुलर वीक. सो टॉरस I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card pull out कर रही हूँ और एक angel message. Gemini देखते हैं
इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जेमिनाई, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है यार, ऐसे लग रहा है अब आप वो पीक पे आ गए हो कि अब कब अच्छा होगा मेरे साथ। यू नो, इतने समय से चीजें बस हो ही नहीं रही है, कुछ ग्रो ही नहीं हो रहा है, चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सो समवेयर दैट एनर्जी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। जेमिनाई, बहुत ओवरवेलमिंगली इमोशनल हो आप। मुझे ऐसे लग रहा है सबसे पहले अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में लाना है, इमोशंस को थोड़ा ठीक करना है। जैसे आप इमोशंस को थोड़ा सा काबू में लाओगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे क्यों, क्योंकि ये साइन ऑफ थोड़ी डिप्रेशन भी लग रही है बहुत ज्यादा इमोशंस को लेके। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अब आगे बढ़ने का समय है। कोई पास्ट की रिलेशनशिप है, कोई पास्ट की एनर्जी है जिसको ना बहुत टाइट पकड़ के बैठ गए हो। जेमिनाई, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस टू होल्ड दिस सो टाइट। आई फील इट्स ओनली एडवाइजेबल कि आप वो चीज को छोड़ दो, रिलीज करो। हाँ, मैं बोल रही हूँ डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा, बट आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप नियति सेट करोगे कि आई चूज टू लेट दिस पर्सन गो, आई फॉरगिव द सिचुएशन, आई फॉरगिव द पर्सन, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जेमिनाई, ऐसे लग रहा है बस निकलना ही नहीं चाहते हो। वो एक जोन होता है ना जहां पे इंसान सल्क करता है, जहां पे इंसान डिप्रेस होता जाता है, होता जाता है। आपको डिप्रेस होने की कहीं ना कहीं आदत हो गई है। जेमिनाई, यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न, आपको निकलना पड़ेगा, अपने आपको पुश करना पड़ेगा। ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स, जैसे आप निकलोगे, जैसे आप हटोगे, कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग्स भी आपके अंदर आएगी, एक विजुअलाइजेशन आएगी कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, अच्छी अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये हफ्ते, वो है रिलीज, लेट गो, जितना हो सके उतना रिलीज करने की कोशिश करें ये हफ्ते जेमिनाई, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क सो सो अमेजिंगली ऑन योर ओन सेल्फ। सो या, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, मैं आप लोगों के लिए दो tarot card और एक angel message pull out कर रही हूँ। Leo, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बताना चाहते हैं। लियो, आप ना 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। देर इज टू मच जगल, देर इज टू मच हसल। मुझे ऐसे लग रहा है सबसे पहले थोड़ा सा स्लो डाउन करो, स्लो डाउन करना है। ये हफ्ते आपकी प्रायोरिटी है, जो वो यहाँ पर अभी फिक्स कर लो कि स्लो डाउन, स्लो डाउन। जैसे आप स्लो डाउन करोगे, आप अपने अंतर आत्मा, आप अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आई फील लियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हफ्ते आप अपने आप से कनेक्ट करें। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए लाइफ में, क्यों चाहिए लाइफ में, ये सारी चीजें थोड़ा अच्छे से जाने। मुझे ऐसा लग रहा है आज की डेट पर आप जो भी कर रहे हो ना लियो, वो खुद के लिए नहीं, कहीं ना कहीं किसी और के लिए कर रहे हो। तो हमको इसको हटाकर इसकी एनर्जीज थोड़ी ज्यादा बढ़ानी है, अपने लिए चीजें करनी है। आपको क्या अच्छा लगता है वो चीज पे फोकस करके आगे बढ़ना है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप फोकस करोगे, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे लियो, आप ये चीज को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे ये हफ्ते। वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। जैसे आप वो करोगे, You will rise above the problems. अभी कैसे ना आप problems ही problems चल गए, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहे हो। So it's the time where you work on yourself. It's the time you let go of all that's holding you back. Leo, जैसे आप ये सब करोगे ना, मुझे ऐसे लग रहा है अपने आप problems से उभर के बाहर आ जाओगे। So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to वर्गो। वर्गो, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज। देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वर्गो, जो पहला कार्ड आया ना, वो आपको ये फील करा रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं ड्रेन हो गया हूं, मेरे अंदर अब कुछ शक्ति ही नहीं बची है। जितना मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास ही उल्टा चीजें बैकफायर हो रही है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है सबसे पहला जो आपको एडवाइस मैं ये दूंगी वर्गो, कि अपने आप को विक्टिम करना बंद करो, अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो। आप जैसे विक्टिमाइजेशन से बाहर निकलोगे, जैसे अपने लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का चार्ज आप खुद लोगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अभी आप क्या कर रहे हो, आप ना थोड़ा सा ब्लेम गेम खेल रहे हो, ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये इसके वजह से हुआ। आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हो। So Virgo, it's time you stand up for yourself. It's time you don't be a victim. You take charge and responsibility and control of your life. मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो ये हफ्ते कोई भी चीज हो रही है ना, उसको कंट्रोल में लेना है। जैसे आप कंट्रोल में लोगे ना, वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे लग रहा है जिंदगी ना बस घसीट रही है,
आपको जो अच्छे दिन देखने हैं, आपको जो चीजें मैनिफेस्ट करनी है, आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हो. क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि चार्ज ही नहीं है, क्योंकि ना पावर ही नहीं है, अथॉरिटी नहीं ले पा रहे हो. आप बस डर रहे हो, डर रहे हो, डर रहे हो. वर्गो, इट्स द टाइम टू ब्रेक योर फियर्स. जैसे आप अपने फियर्स ब्रेक करोगे, आई फील यू विल गेट व्हाट यू वांट. आप वो जर्नी, वो पाथ में डेफिनेटली आगे बढ़ोगे. मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं ये हफ्ते कोई ना कोई चीज की शुरुआत, नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है. शायद आपके डर का खात्मा हो रहा है. सो आई फील जितना ज्यादा आप वो इंटेंशन सेट करोगे, जितना ज्यादा आप भगवान को बोलोगे आपको आके मदद करें, वो डेफिनेटली आके आपको मदद करेंगे. बट आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा. लुकिंग एट द कार्ड, जैसे आप ये सब करोगे, एंजल्स बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, विच इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस. जो भी आप करोगे उससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रख के करें, और वो चीजें आपके सामने पॉजिटिव ही होंगी. जितना अच्छा सोच उतनी अच्छी सच्चाई, ये चीज को बस ध्यान में रखना है. अपनी सोच अच्छी तो अपनी सच्चाई अच्छी, आपके आगे एग्जैक्टली वही होगा जो आप सोचोगे. सो थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को भी ट्वीक करना है. क्यों? क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है. आई वॉन्ट यू टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स दिस पर्टिकुलर वीक. सो या दैट इज वॉट वी have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer, आप लोगों के लिए दो tarot cards और एक angel message pull out करी हूँ. Cancer, देखते हैं इस हफ्ते universe angels क्या बता रहे हैं. Cancer looks like a very difficult week. ऐसे लग रहा है लिटरली जितना सब कुछ किया ना, आज सब कुछ पानी में जाते हुए दिखाई दे रहा है. अनफॉर्चुनेटली इतना आपने किसी के लिए कुछ करा है, इतना आपने किसी के लिए जान दी हुई है, बट सामने वाले को जीरो कदर है. अनफॉर्चुनेटली इस वजह से मुझे आप टूटते हुए दिख रहे हो, आप बिखरते हुए दिख रहे हो. बट आई रियली वॉन्ट यू टू स्टे स्ट्रांग एंड स्टे काम. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई मीन स्टे स्ट्रांग इज अ डिफिकल्ट वर्ड और डिफिकल्ट फीलिंग टू काइंड ऑफ इन्वाइट इन योर लाइफ, बट मैं ये बोलूंगी कि अपने आप को पकड़ के रखो. अपने आप को ना मतलब टूटने मत दो, अपने आप को ना ये इमोशंस में बहने मत दो, बिकॉज देयर कुड बी सम इश्यूज दैट कुड रिलेट इन द कपल. आप अगर कपल हैं तो आपके बीच में कोई इश्यूज आ सकते हैं, बट ये इश्यूज आपके नहीं है अनफॉर्चुनेटली ये टाइम. ये इश्यूज आपकी फैमिली को लेके आपके बीच में आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है ये इश्यूज में, और ये इश्यूज ना बढ़ते ही जा रहे हैं टू एन एक्सटेंट वेयर ऐसे लग रहा है अब वो ना जो दरार आ गई ना रिलेशन में, उसमें कितना भी आप कवर अप करने की कोशिश करो, कितना भी उसको समझाने की या सुधारने की कोशिश करो, पर दिल में एक दरार रह गई है. यू आर अनएबल टू गिव द लव दैट यू यूज्ड टू गिव, विच इज ओके. सो मैं बोलूंगी थोड़ा सा पॉज ले लो, अपने इनर पावर को जगाओ. यूनिवर्स एंजल्स आपको सिर्फ बोल रहे हैं ये हफ्ते अपने आप को पकड़ के रखो. होल्ड यू योर सेल्फ वेरी वेरी टाइट. योर इनर पावर, योर विल पावर इज अमेजिंग, एंड दैट इज योर सुपर सुपर स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट. सो या This is what we have for you, Cancer. It looks like a difficult week, but मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा chanting में थोड़ा time spend करें, थोड़ा सा meditation या अकेले walk पे निकल जाएं. You need to like bring your energies back in place in a good way. So that is what we have for you, Cancer. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra, I am pulling out two tarot cards for you and one angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. लीब्रा लुक्स लाइक अ बेटर वीक. मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये हफ्ते एटलीस्ट अच्छा फील होगा. ऐसा लगेगा यार जो भी मोनोटनी थी, जो भी कहीं ना कहीं एक चीजें ड्रैग हो रही थी, सुधार नहीं आ रहा था, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा लग रहा है पैसे को लेकर. सो समवेयर देयर कुड बी सम ओपनिंग, सम अपॉर्चुनिटी दैट कैन कम योर वे विथ रिगार्ड्स टू मनी. पैसे को लेके जो आपका हाथ तंग था, पैसे को लेके जो आप बरकत नहीं फील कर पा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे ही देते हैं. तो ये हफ्ते भी हमें लग रहा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहां से आपका पैसा अच्छे से ग्रो हो सकता है. उसके बाद ये है, पैसा अगर हाथ में आ रहा है ना, उसको सही जगह पे यूज कीजिए, सही इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा एक्शन लीजिए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए, थोड़ा सा फोकस रहिए. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग लीब्रा, ऐसा लग रहा है यार आपका मन ही नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल. थोड़ा सा ना मेरे को ये हफ्ते बचपना लग रहा है. अगर आप बचपने में आके कोई अपना पैसा गवा दोगे, उसकी भी साइन दिख रही है. सो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल. रैदर जैसे आप जो जो कर रहे हो, अपना थोड़ा अपने और अपने फैमिली के बारे में सोच के कोई भी डिसीजन ले. ऐसा ना करें कि वापस आपको कोई चीज बहुत
भारी पड़ जाए, बहुत ज्यादा बैकफायर हो जाए, जो आपको फिर लगे यार ये क्या हो गया, बैक टू जीरो. सो आई फील ये आपका स्टेप वन है, लैडर जैसे हम चढ़ते हैं ना सीढ़ी, एक फर्स्ट स्टेप आप चढ़ रहे हो और शायद यहां से आपको सुधर जाना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है. उसके बाद जो हो गया हो गया. यू नो आई फील लिब्रा देर इज अ लॉट दैट होल्डिंग यू बैक. आपका पास्ट अभी तक आपको हॉन्ट कर रहा है, आपकी जो भी एनर्जीज है अब तक आपको पकड़ के बैठी हुई है, बट यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन लेटिंग गो, यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिलीजिंग. जैसे हो सके जितना हो सके रिलीज करो, लेट गो करो, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे. सो या लिब्रा दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. We move to Scorpio. Scorpio, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Scorpio, देखते हैं इस हफ्ते tarot, angels, universe आपको क्या बता रहे हैं. स्कॉर्पियो अमेजिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये हफ्ते अगर आपने अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाई है तो अभी बैठकर टू डू लिस्ट बनाएं. क्यों? क्योंकि जैसे वो विजन आ रहा है, जैसे वो डायरेक्शन आ रहा है ना, आप सब चीजें अचीव करो. ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे सब चीजें, आपका एक्शन, आपका माइंड, आपका थॉट, आपका फाइनेंशियल लाइन, सारी चीजें आपको फेवर कर रही है. तो ये चीज जैसे अगर आप थोड़ा सा नीचे कर लोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है वहीं पे थोड़ा स्लो हो जाओगे. तो हमको ये स्लोनेस की एनर्जी हटानी है. इनफैक्ट हमको ये जो डायरेक्शन है, विजन है, उस पर फोकस करना है. मैं ये बताऊंगी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म बोले तो अगर एक डेढ़ साल बाद आप कुछ बड़ा इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये हफ्ते थोड़ा सा ना उसको ध्यान करो, उसके बारे में सोचो, कहीं ना कहीं इनिशिएट करो, कहीं ना कहीं प्लान करो, क्योंकि ट्रैवल ऑन द कार्ड्स भी हमें दिख रहा है, विच इज अ ग्रेट साइन, वेरी वेरी पॉजिटिव. अगर आप शॉर्ट टर्म भी देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी प्लान करो. सो समवेयर द एनर्जी इज लुक राइट. ठीक है, आपकी एनर्जी इज बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे लग रहा है बस आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, फोकस लेके चलते जाना है, चलते जाना है. ये एक अश्योरेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप राइट ट्रैक पे हो. आपको कोई भी चीज के बारे में क्रॉस थिंक नहीं करना चाहिए, डबल थिंक नहीं करना चाहिए, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. उसके बाद जैसे मैंने बोला अभी आपको कि जो भी है प्लान करो, उसके बारे में सोचो, एंजल्स भी आपको बोल रही है विजुअलाइज, यू नो स्टार्ट विजुअलाइजिंग ऑल दैट यू वॉन्ट, स्टार्ट विजुअलाइजिंग एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. ये हफ्ते आपकी एनर्जीज बहुत अमेजिंग है. जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहें उसके बारे में सोचें, क्लैरिटी लाए, थॉट्स लाए, सब कुछ इन प्लेस लाए. लुक्स लाइक यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट ऑल योर डिजायर्स प्रीटी सून, विच इज अ ग्रेट साइन फ्रॉम द यूनिवर्स. सो या आप राइट ट्रैक में हैं, कंटिन्यू, बी ऑन द मैनिफेस्ट जर्नी एंड जस्ट गो अलॉन्ग. राइट, दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius, two tarot card and one angel message. देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं. Sagittarius, I feel आप बहुत overgive कर रहे हो ये हफ्ते. थोड़ा सा अपने हाथ, अपने दिमाग पे control करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसी को भी इतना overgive ना करें, क्योंकि आपकी expectations high हो रही है और उस एक्सपेक्टेशंस जब वो पूरी नहीं हो पा रही है, मीट नहीं हो पा रही है ना, तब आप बहुत डिस्गस्टेड फील कर रहे हो, तब आप बहुत लो फील कर रहे हो, तब आपको ऐसे लग रहा है यार ये क्या हो गया. सो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, समवेयर ड्रॉ लाइन, समवेयर फोकस ऑन ऑल दैट यू रियली वॉन्ट इन लाइफ. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ओवरगिव पे हमको कंट्रोल करना है. ऑफकोर्स सेकेंडरी ये भी कार्ड आया हुआ है कि कोई ना कोई ना आपके ऊपर बहुत सर पे बैठा हुआ है, बहुत प्रेशर डाल रहा है, बहुत डोमिनेट कर रहा है आपको. उसका प्रेशर ना अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, अब आपके अंदर गुस्सा आ रहा है. सो आई फील फर्स्ट ट्राई टू फिक्स कि क्या है ये प्रेशर, कहाँ से आ रहा है ये प्रेशर और क्यों आ रहा है. अगर आप इसको निकाल सकते हो तो थोड़ा आपके लिए बेटर है. कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी रास्ता ट्वीक कर लो, ये रास्ते नहीं जाना है, ये रास्ते जाना है. समवेयर ट्राई टू वर्क विथ योर सेल्फ. वाई? बिकॉज अब ना ऐसा लग रहा है कि यार ये प्रेशर तो ना अब आपको गुस्सा दिला रहा है, आपके अंदर अग्रेशन बिल्ड कर रहा है. सो यू नीड टू काइंड ऑफ वर्क ऑन दैट पार्ट. उसके बाद जो भी इस हफ्ते का ब्लॉक अगर आप फील करो ना कहीं मैजिक ऑफ नेचर, यूनिवर्स बोल रहे थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कीजिए. लिटरली मैं बोलूंगी नंगे पैर, बेयर फीट आप ग्रास पे चढ़े और भगवान को बोलें कि जो भी आपके ब्लॉकेजेस है वो आपको मदद करे रिलीज करने में. देर आर डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद मदर नेचर. आई फील ट्राई टू वर्क विद वॉट एवर वर्क बेस्ट फॉर यू. यू नो जस्ट आसमान में देखने से भी एक नेचर को कनेक्ट कर सकते हो. सो वट एवर यू फील मोर कनेक्टेड टू, वट एवर यू फील मोर कॉल्ड टू, मैं बोलूँ कि भगवान को बोलो आके आपकी मदद करे, नेचर को बोलो
आके आपकी गाइड करें, आई फील यू विल बी फीलिंग अ लॉट बेटर. तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी सही, बट ट्रस्ट मी जैसे अगर आप फोकस करोगे ना इस पर, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सुधार दिखेगा. ये हफ्ते ही आप ट्राई करके देखो, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करके देखो, आप खुद कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि यार ये चीज ने ना बहुत अच्छा फील करवाया. सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. Capricorn, जो पहला कार्ड आया है हमारे पास आपके लिए वो ये है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो. यू नो, मुझे ऐसे लग रहा है सारी चीजें आपके फेवर में हो रही है, कोई ना कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, आपको ग्रो कराने में मदद कर रहा है. आपका कोई कुलीग हो गया, आपका कोई मैनेजर हो गया, आपको इस हफ्ते बहुत अप्रिशिएट भी कर सकता है. बट कैप्रिकॉर्न मैं ये बोलूंगी, ये चीज ना आपका प्रोफेशन, आपकी काम आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति है इस वक्त. तो थोड़ा सा आप इसको लेके डाउट करो कि यार मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कहीं मैं लैक तो नहीं कर रही हूं. तो ये सारे थॉट्स आएंगे आपको ये हफ्ते, बट ट्रस्ट मी आपको वो इग्नोर करना है. क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जैसे मैंने बोला आपका सबसे बड़ा पावर है. यहां से आपको बहुत सुकून मिलता है, आपको बहुत जॉय मिलता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, नेगेटिविटी क्यों फील हो रही है, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ईविल आई दिख रही है, आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपसे जलते हैं. और ट्रस्ट मी, ये बारी जो एनर्जी आई हुई है ना कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ी सी आपकी फैमिली की तरफ से ही आई है. फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, देयर इज समवन हु इज नॉट विशिंग वेल फॉर यू, देयर इज समवन हु इज नॉट हैप्पी विथ योर हैप्पीनेस. तो अगर आपको कोई प्रमोशन मिल रही है, आपकी अगर कोई ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी अप्रिसिएशन हो रही है, ये हफ्ते ट्राई करें सब कुछ जिप लॉक करने का. ज्यादा किसी को डिस्कस मत करें अपने हैप्पी डेज, ये हफ्ते थोड़ा सा म्यूट पे जाएं, साइलेंट हो जाएं. ज्यादा किसी से अपनी वेलबींग भी ना डिस्कस करें, क्योंकि ईविल आई की साइंस हमें बहुत ज्यादा दिख रही है. उसके बाद आफ्टर एवरीथिंग, यूनिवर्स जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर सेफ. जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपको भगवान और यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि यू नो यू आर फाइन, यू आर सेफ, कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. एंड दैट इज प्रीटी मच व्हाट वी हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. वी मूव टू एक्वेरियस. एक्वेरियस, आई एम पुलिंग आउट टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. एक्वेरियस, ये जो पहला कार्ड आया ये बोल रहा है कि ये हफ्ते बस अपनी जो डोर है ना वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी है. थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट करना है, भगवान पे विश्वास करना है. जो भी आप काम करने वाले हो ये हफ्ते, उसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट ले करना है, बहुत ज्यादा विश्वास रख के वो काम करना है. देखिए आपका सारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा. ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं जो अधूरे काम थे वो भी शायद पूरे हो सकते हैं. कोई ना कोई चीज जो छूट गई थी, अधूरी रह गई थी, वो भी ज्वाइंट हो सकती है, वो भी हो सकता है पूरा. जितना ज्यादा आप भगवान पे भरोसा रखोगे, उतने ज्यादा आपके जो दरवाजे हैं ना वो खुलते जाएंगे. दिस इज अ कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी. ये हफ्ते कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हो. आपके पास ना कोई पावर आएगा, कोई ना कोई पोजीशन आएगी इस हफ्ते जहां शायद आपको डिसीजन लेना पड़े. मैं बताऊंगी आपके पास वो पावर है, प्लीज डिसीजन अपने आप से ही लीजिए. किसी की राय लेना ठीक है, बट किसी की राय को अपनी डिसीजन बनाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप कर सकते हो, आप दूसरों की डिसीजन को अपना डिसीजन बना सकते हो. सो डोंट डू दैट. थोड़ा सा अपने आप से टाइम ले, भगवान को बोले आके आपको गाइड करे, आके आपकी आंखें खोले, आके आपको बताएं कि आपके लिए क्या सही है, क्या डिसीजन लेनी चाहिए. सो समवेयर जस्ट वन पीस ऑफ एडवाइस, कोई भी डिसीजन ले तो अपनी एनर्जी से ही ले, किसी से इन्फ्लुएंस होके ना ले. उसके बाद अगेन एंजल्स आर सेइंग द सेम थिंग, स्टैंड योर ग्राउंड, डू व्हाट यू फील इज राइट. जो भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बस अपनी बात पर खड़े रहिए. ये हफ्ते ना आपको ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उस पर डटे रहें. किसी के बोलने पे ना आप अपने आप को शेक मत करें, आप अपने आप को ना हिलाएं. सो दैट इज टिपिकली व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो फॉर दिस पर्टिकुलर वीक. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out two tarot cards and one angel message. देखते हैं Pisces इस हफ्ते universe क्या बता रहा है. Pisces बहुत ज्यादा confusion है, बहुत ज्यादा low energies है. ऐसे लग रहा है
करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा, हाँ ना में बहुत उलझे हुए हो। ऐसे लग रहा है कि ये चीज आपको इतना ज्यादा वो करी है, उस वजह से आप लो फील कर रहे हो, इमेंसली लो फील कर रहे हो। ऐसे लग रहा है सब बिखर रहा है, सब टूट रहा है। क्या मैं जो अभी कर रही हूँ वो ये चीज मैं शायद 5 साल बाद ना कर पाऊँ, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डर, थोड़ी सी घबराहट दिख रही है। मैं बताऊंगी ये हफ्ते जितना हो सके उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे, उतना ही आपकी जो लो एनर्जीज है ना उसको थोड़ा सा हम काम कर पाएंगे, थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे। सो आई फील ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये हफ्ते। फोकस करें उस चीजों पर। मेक म्यूजिक, एंजल्स बोल रहे हैं, भगवान के भजन गाने से थोड़ा कनेक्ट करें, शायद आपको इंटरनल पीस भी मिल सकता है इस चीज से। म्यूजिक आपको हील कर सकती है, म्यूजिक आपको बेटर फील करा सकती है। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। गुड बाय।